दोस्तों एक ऐसा देश है जहाँ किसी भी देश के लोग बिना वीजा के जा सकते हैं। एक ऐसी जॉब जिसमें आपको फ्री बर्गर पिज्जा खाने को मिलेगा। किस देश में पत्थर के कपड़े पहने जाते हैं और किस प्लेनेट पर पश्चिम से सूरज उगता है, जानेंगे धुआंधार फैक्ट्स पर आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आज की सोशल मीडिया की दुनिया में आपको हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड स्विंग्स का शिकार होता हुआ दिखाई देगा और यह प्रॉब्लम पिछले कुछ सालों से बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी के एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार लोगों की जिंदगी में सोशल मीडिया का दखल या झुकाव बहुत बढ़ गया है और यही उनके डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह बन रहा है। और इस स्टडी में बताया गया है कि अगर एक हफ्ते के लिए इस सोशल मीडिया से छुट्टी ले ली जाए तो मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है और डिप्रेशन से भी छुटकारा पाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों हमारा सोलर सिस्टम भी काफी ज्यादा विचित्र है, जहाँ कुछ ना कुछ अजीब होता ही रहता है और इसमें सबसे ज्यादा अजीब है पश्चिम दिशा में सूर्य का उदय होना। जी हाँ दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट भी है जहाँ पर पश्चिम से सूर्य उदय होता है और वो पूरब में जाकर डूब जाता है। वेल, नहीं मानते तो आपको बता दे कि वो प्लैनेट और कोई नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट वीनस है। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि वीनस और यूरेनस को छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट्स पृथ्वी की तरह ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, लेकिन वहीं वीनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिस कारण से वहां सूर्य पश्चिम से उदय होता है और पूरब में जाकर डूब जाता है। दोस्तों जब बात काले धन की आती है तो सबसे पहले दिमाग में स्विस बैंक का ही नाम आता है, क्योंकि हमारे देश के सारे भ्रष्ट लोग अपना काला धन स्विस बैंक में ही रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बैंक्स तो हमारे देश में भी है लेकिन फिर भी सभी अपना काला धन स्विस बैंक में ही जाकर क्यों रखते हैं? दरअसल ना सिर्फ इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा काला धन कहलाता है बल्कि टैक्स ना भरकर बचाया गया पैसा भी काला धन कहलाता है। और अगर इस टैक्स चोरी के पैसे को इंडिया के किसी बैंक में रखेंगे तो बैंक उसकी सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा और फिर उस पर टैक्स लग जाएगा। इसीलिए सभी भ्रष्ट लोग अपना पैसा बचाने के लिए स्विस बैंक के पास रख देते हैं और स्विस बैंक यह जानता है कि टैक्स बचाने के लिए लोग उसके यहाँ अपना पैसा रखते हैं, इसलिए वो उन पैसों पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको रोजाना फ्री में बर्गर और सैंडविच खाने को मिलेगा और उसके साथ ही 94,000 रुपए भी आपको दिए जाएंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वाकई यार, ये किसी सपने से कम थोड़ी है और यह सपना सच भी हो सकता है। दरअसल ब्रिटेन की एक फूड कंपनी ने फूड टेस्टर्स की वैकेंसी निकाली है, जिसमें नौकरी मिलने वाले व्यक्ति को पूरे ब्रिटेन में चुने गए 20 पॉपुलर फास्ट फूड मील्स के सैंपल जैसे मैकडॉनल्ड्स, सबवे, ग्रेग्स के मील्स फैक्ट टेस्ट करने होंगे और साथ ही अपना अनुभव बताना होगा कि उन्हें यह फास्ट फूड खाकर कैसा लगा और खाने के तुरंत बाद का और 1-2 घंटे बाद कैसा लग रहा है। यह सभी लिखना होगा और सबसे बेस्ट बात तो यह है कि इस काम के लिए व्यक्ति को मंथली 94,000 रुपए की सैलरी भी मिलेगी। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों क्या आप सभी जानते हो कि इस दुनिया में एक ऐसी भी मछली है जो डायनासोर काल से धरती पर मौजूद है और ये प्रेग्नेंट होने के 5 साल बाद बच्चे को जन्म देती है? जी हाँ दोस्तों, इस मछली का नाम है सीला कांथ। इसकी उम्र 100 साल होती है और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि प्रेग्नेंट होने के 5 साल बाद ये बच्चे को जन्म देती है और इसकी एक और अमेजिंग बात यह है कि 50 साल की होने के बाद ही यह गर्भ धारण कर सकती है और इस मछली को अडल्ट होने में 40 से 69 साल का वक्त लग जाता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों एक बार यूके के रहने वाले गेमर ने साल 2009 में अपने लैपटॉप से 7,500 बिटकॉइन खरीदे और फिर उसकी हार्ड डिस्क अपने पास रख ली, क्योंकि उसको मालूम था कि बिटकॉइन की वैल्यू आगे जाकर बढ़ेगी। लेकिन साल 2013 में गलती से उसकी ये हार्ड डिस्क कचरे के ढेर में चली गई और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज उनके खरीदे बिटकॉइन की कीमत 968 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि अब ये बात उन्हें मायूस कर देने वाली है क्योंकि अब उसके पास वो हार्ड डिस्क ही नहीं है। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत से एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वहां महीनों तक रुकते हैं, लेकिन जब वे धरती पर वापस आते हैं तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा समय माइक्रोग्रेविटी में व्यतीत करने से एस्ट्रोनॉट के मसल्स काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं, जिस कारण से एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर आने के बाद अपने आप को अनबैलेंस्ड फील करते हैं। पृथ्वी की ग्रेविटी उन्हें काफी भारी लगने लगती है और इसके साथ ही उनके ब्लड प्रेशर पर भी इसका असर पड़ता है,
जिस कारण से उनके सामने दिखाई ना देने जैसी समस्या पैदा हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी हो चुका है कि एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर दोबारा चलना भी सीखना पड़ता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में लोग पत्थर से बने कपड़े पहनते हैं। दरअसल इनके कपड़े विलीलॉन नाम के एक फाइबर से बनाए जाते हैं और ये फाइबर कोल और रॉक से मिलकर बनता है। वैसे पूरी दुनिया में सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही इस तरह के क्लोथ्स पहनता है क्योंकि ये उनके ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा इन कपड़ों को बनाने में बहुत ज्यादा समय और पैसा भी लग जाता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपने कभी वेजिटेरियन मीट खाई है? अब आप सोच रहे होंगे वेजिटेरियन मीट कैसा होता है, तो जानने के लिए आप एक वाटरमेलन को बेक करके जरूर देखना। दरअसल जब एक वाटरमेलन को बेक किया जाता है तो वो अपना ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर यानी कि सीड्स का स्ट्रक्चर लूज कर देता है और फिर उस वाटरमेलन को मीट की तरह भी यूज किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के लोग क्रिसमस के दिन खाना KFC से ही मंगवाते हैं और यह एक दो घर की कहानी नहीं है बल्कि ऑलमोस्ट सभी KFC का ही खाना खाते हैं और इसीलिए उन्हें अपना ऑर्डर लगभग 1 महीने पहले देना होता है और क्रिसमस वाले दिन तो उन्हें 2-3 घंटे लाइन में लगकर अपना नंबर आने का वेट करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि फेसबुक अपने पहले 5 करोड़ यूजर बनाने में पूरे 2 साल का समय लगा था जबकि यूट्यूब को सिर्फ 10 महीने और ट्विटर को इससे भी कम यानी कि सिर्फ और सिर्फ 9 महीने में ट्विटर ने 5 करोड़ यूजर बना लिए थे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों कैसिनी हुईगिंस स्पेसक्राफ्ट को 5 अक्टूबर 1997 में लॉन्च किया गया था और यह स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के 6 साल 261 दिन के बाद सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंचा और सैटर्न के मून और रिंग्स को स्टडी करना इसका बड़ा मकसद था। इसने बहुत से डिस्कवरीज की जैसे कि इसने पता लगाया कि सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन और इंसेलेडस पे जीवन हो सकता है। अब इन मून्स पे जीवन की संभावना देखते हुए जब कैसिनी का फ्यूल खत्म होने को था तब वैज्ञानिकों ने इसको सैटर्न में क्रैश करा दिया क्योंकि फ्यूल खत्म होने के बाद कैसिनी स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता और फिर इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था और ऐसा भी हो सकता था कि ये कहीं उन मून से टकरा जाए तो उन पे जो जीवन के आसार थे वो भी खत्म हो सकते थे और जीवन की संभावना नष्ट हो जाती। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों दुनिया के लगभग सभी विकसित देशों में नौकरी पेशा लोगों को काफी सुविधाएं दी जाती है जिसमें पेड वैकेशन भी शामिल है। वैसे तो अमेरिका भी दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित देशों में से एक है लेकिन जब बात पेड वैकेशन की आती है तो फिर दुनिया के 21 सबसे अमीर देशों में से अमेरिका एकमात्र देश ऐसा है जो अपने लोगों को नौकरी के दौरान पेड वैकेशन नहीं देता। पेड वैकेशन देने वाले 20 देशों में 16 देश यूरोपियन है जबकि बाकी 4 देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और जापान है और इनमें से कई देश तो ऐसे हैं जहां लोगों को 1 महीने तक की छुट्टी भी फुल पेमेंट के साथ दी जाती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों वैसे तो दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां कुछ खास देशों के लोग विदाउट वीजा के जा सकते हैं लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ऐसा जगह है जहां दुनिया के किसी भी देश के लोग विदाउट वीजा जा सकते हैं और सिर्फ वहां जा नहीं सकते बल्कि वहां जाकर अनलिमिटेड टाइम तक रह सकते हैं। वेल ये जगह है नॉर्वे का स्वैलबार्ड जो कि दुनिया का एकमात्र वीजा फ्री जोन है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ताजमहल को लेकर बीते दिनों से कई तरह के दावे किए गए हैं। अब इन्हीं दावों में से एक दावा साल 1907 को लेकर भी है जिसमें भरतपुर के जाटों ने ताजमहल पर हमला बोल दिया था। दावा किया जाता है कि इस दौरान वे सोने चांदी के पात्रों में मदा राजमहल का मुख्य द्वार उड़ाकर अपने साथ ले गए थे। इसके अलावा जाटों ने ताजमहल में भूसा भरकर इसे अस्तबल बना दिया था। मतलब ताजमहल जैसी शानदार इमारतों में घोड़ों को भी रहने का मौका मिल चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको काफी सारे नॉलेजेबल फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक ले बाय, जय हिंद।